हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका आविष्कारी अभी, और सामने लगी है हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस। भाई ये कार कभी ऐसी थी नहीं। मैंने i10 को बहुत पहले से देखा है, 2007-8 से आई थिंक, सो उस समय आई थी, 9 या 10 में आई थी आई थिंक, उस समय से मैं देख रहा हूँ। लेकिन अब जो है भाई, इतनी नेक्स्ट लेवल जनरेशन आ चुकी है i10 की, जो कि अलग अलग फीचर्स के साथ आती है। आज इस वीडियो में बात करेंगे इसके प्राइसिंग की, फीचर की, क्या स्पेसिफिकेशन है, इंजन प्रोफाइल क्या है, सारा चीज़ आज इस वीडियो में बात करेंगे। क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर बात करें ये कौन सी i10 है, तो ये टॉप एंड वेरिएंट है, जो आस्था बोलते हैं। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है, कापा पेट्रोल आता है इंजन, 4 सिलेंडर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये आती है। उसके बाद बात करें अगर पावर की, 83 पीएस की पावर निकाल देती है, और टॉर्क 114 एनएम का टॉर्क निकल जाता है। ऑलमोस्ट आपको सेम इंजन मिलता है, इसमें हो गया चाहे एक्स्टर हो गया, इसमें आपको सब में सेम इंजन मिलता है। और सेम इंजन सिर्फ देने से नहीं, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा खासा इसमें आपको मिलता है। बात करें एक्स शोरूम की, इस वेरियंट की, तो 7.74 इसकी जो है ऑन रोड प्राइस, सॉरी एक्स शोरूम है, जो कि ऑन रोड होते होते 9.24 लाख इसकी ऑन रोड आ जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा कृष्णा हुंडई का, कोरबा छत्तीसगढ़ में। अगर आप प्लान कर रहे हैं हुंडई की i10 अगर परचेज करने का, ग्रैंड i10, तब आप एक बार जो है कॉल करो यहाँ पे। आप एक बार कॉल करके प्राइसिंग वगैरह पूछ लेना आप भी, और टेस्ट ड्राइव तो पक्का एकदम जरूर लेना, तब आपको और ज़्यादा समझ आएगा। देन अगर बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, 37 लीटर का इसमें आपको फ्यूल मिलता है, कैपेसिटी मिल जाता है। बूट स्पेस आपको 252 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है। लाइक अगर लेंथ की अगर बात करें, तो वही 4 मीटर से थोड़ा सा कम है, 3815 mm, और विड्थ 1680, हाइट 1520 mm, व्हील बेस 2450 mm का आता है, और ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का इसमें आपको मिलता है। उसके बाद बात करें इसके सर्विस वगैरह की, सर्विस सबसे बढ़िया मुझको हुंडई की लगती है, बिकॉज ये सबसे पहले जब आप परचेज करते हो तो 3 साल की इसमें आपको वारंटी मिलती है। किलोमीटर्स की अगर बात करें तो अनलिमिटेड, 3 साल तक आप अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी आप ले सकते हो, और उसके साथ रोड साइड असिस्ट भी मिलता है 3 साल के लिए। अगर आप उसे एक्सटेंड अगर आप कराते हो, एक्सटेंड कराने पे आपको 7 ईयर के लिए हो जाएगा, और सेम टू सेम वही अनलिमिटेड किलोमीटर मिलेगा, और RSA भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ 3 ईयर की ब्लू लिंक की आपको सब्सक्रिप्शन भी मिल जाती है हुंडई की, ये सबसे मुझको बेस्ट बात लगती है। सेफ्टी फीचर आजकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक कार में, तो बात करेंगे सेफ्टी फीचर की, तो 6 ईयर बैग के साथ ABS विद DVD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इमोबिलाइजर और आइसोफिक चाइल्ड, जैसे ये सारे जो है स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर हैं। उसके साथ अगर और भी सेफ्टी फीचर को काउंट किया जाए, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें आपको सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें इसके डिज़ाइन, फ्रंट लुक की, क्या इसकी फेस है, क्या क्या इसमें आपको मिलता है। सबसे पहले अगर बात करें हेडलैम्प की, तो ये आपको आई शेप में आपको इसकी हेडलैम्प मिलती है, जो कि प्रोजेक्टर बेस्ड आपको मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद यहीं पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, और हेडलैम्प में ये जो क्रोम की जो यहाँ पे जो है डिज़ाइन दी गई है, गार्निश की गई है, जो कि काफ़ी जो है यूनिक और काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ भी आप देखो, तो दूर से देखो, जब आप इसे दूर से देखोगे, जब ये रिफ्लेक्ट करेगी रस्ते पे, रोड पे, धूप में रिफ्लेक्ट करती है, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। नीचे आपको जो है DRL दे दिया गया है, ट्राई एरो शेप इसको आप कह सकते हो, आई डोंट नो। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा जो स्पेस दिया है, ये आपको टायर वेंटिलेशन के लिए आई थिंक दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा सा गैप है यहाँ से एयर पास आउट होने के लिए। रेड कलर में काफ़ी जो है कमाल का कलर ये आपको लगेगा, इतना ये चटक कलर जो बोलते हैं, स्पेस से भी दिख जाए इस तरीके का कलर है, काफ़ी लाल जो ज़बरदस्त लुक में इसमें आपको मिलेगा। फ्रंट ग्रिल की अगर बात करें, तो रेड के साथ जो ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। और ब्लैक के साथ भी आपको नॉर्मल ब्लैक नहीं है, ग्लॉसी ब्लैक है, जिसको पियानो ब्लैक बोल सकते हैं, और काफ़ी वाइड अमाउंट में जो है ये आपका ग्रिल जो है आपको ओपन है, जिससे आपका जो है वेंटिलेशन जो है आपका कंप्लीट चलता रहेगा। ये डिज़ाइन आप देखो, यहाँ से लेके ये अलग डिज़ाइन में इंट्रोड्यूस कर रही है, मतलब अगर आप कंप्लीट अगर देखो, तो ये ऐसे करके स्क्वायर शेप में है, और ये DRL का स्पेस जो है इसमें अलग से बैठाया गया है, ऐसा लगता है देखने में, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। उसके बाद हुंडई का लोगो,
बोनेट से नीचे है, बोनेट पर नहीं है, बोनेट से नीचे है, बोनेट यहाँ तक एंड हो जाता है। और ये सब लाइनें जो हैं, ये सब क्रिज जो है इम्पैक्ट के टाइम पे काफ़ी हद तक जो है एब्जॉर्ब कर लेती है इम्पैक्ट को, जो कि इसके डिज़ाइन प्रोफाइल के साथ आती है। शार्प एजेस है यहाँ पे, ये क्रिज यहाँ आपको स्मूथ मिल जाता है कंप्लीट। यहाँ अगर आप टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको हैचबैक में आपको कितना ही टायर 14 या 15 मिलेगा, आई थिंक सो, एक सेकेंड, 15 इंचेस के, ओके, यहाँ पे 15 इंचेस के टायर प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन की गई है, जो कि आपको डायमंड कट में आपको मिलता है अलॉय व्हील के साथ में। फ्रंट डिस्क कैलिपर आपको दिख रहा है, विद डिस्क आपको दिख जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे बॉडी कलर्ड ORVM मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर के साथ में, LED स्ट्रिप यहाँ पे लगी है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल जो कि क्रोम के साथ है, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ, और यहाँ पे आपको ये वाली जो एरिया है ए पिलर, आपको बाहर वाली सारी पिलर जो है बॉडी कलर्ड है, लेकिन अंदर की जो बीच की जो बी पिलर है ये आपको मैट में आपको मिल जाती है। पीछे भी आपको सेम क्रोम आपको मिलता है, सेम टू सेम पीछे का टायर प्रोफाइल भी सेम है, आपको कोई चेंजेस नहीं। अगर यहाँ साइड में देखें, पीछे साइड रियर प्रोफाइल की बात करें, कंप्लीट जो है ये भी अब ये कनेक्टेड हो चुकी है। यहाँ ऊपर एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे आपको रूफ रेल मिल जाता है जो कि कंपनी फिटेड है, साथ में आती है। यहाँ पे आपको शार्क फैन एंटीना मिल जाता है। स्पॉइलर की बात करें, काफ़ी स्मूथ है एंड होते, एजेस इसके शार्प नहीं है, स्मूथ है, छोटा सा इसमें आपको मिल जाता है स्पॉइलर विथ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। यहाँ पे आपको डिफॉगर, ये आपका वाइपर, यहाँ पे आपका कनेक्टेड टेल लैम्प की यहाँ पे दिया गया है, स्पेस दिया है, जब आप ब्रेक लोगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अस्ता की ब्रांडिंग की गई है नियोस की, यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है हुंडई का लोगो, ग्रैंड आई10 का यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है। देन अगर बात करें पीछे, तो ये आपको हैलोजन बेस, आपको ये तीनों सेट जो आपको मिलते हैं हैलोजन बेस मिलते हैं, लाइक ये आपका ब्रेक लेने पे जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हो ये और ये कंप्लीट दोनों ऑन होंगे। ये आपका रिवर्स लैम्प, ये आपका टर्न इंडिकेटर, पीछे एक दो आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसिंग की गई है, ये है इसका कैमरा, ओके। देन इसका वाइपर कहाँ पे है, वॉशर यहाँ पे छोटा सा आप देख रहे हो, ये छोटी सी प्लेसिंग दी गई है वॉशर की। ओपन करते हैं, 275 आई थिंक इसका बूट स्पेस था, जो कि एक हैचबैक में काफ़ी हद तक जो है ठीक है, कोई कमी इसमें आपको नहीं बोला, आराम से इसमें आप 55 सेंटीमीटर के जो है सूटकेस जो है, जो स्मॉल साइज़ के सूटकेस जो है आई थिंक दो, और लगेज बैग वगैरह बैकपैक वगैरह आराम से रख सकते हो। यहाँ पे आपको बूट लैंप मिल जाता है विद पार्शल ट्रे, आपको पीछे मिल जाएगा हाइड्रोलिक स्टड एक दो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको ग्रैब के लिए दिया हुआ है इस जगह पे। देन इसके स्टेपनी की टायर प्रोफाइल कितनी है वो एक बार देख लेते हैं, ये आपको R14 इंचेस के इसमें आपको मिलते हैं, रिम में आपको मिलता है। देन पीछे कंप्लीट, यहाँ पे रिफ्लेक्टर की प्लेसिंग दी गई है इस जगह पे। देन उसके बाद बात करें इसके पायलट साइड डोर की, तो डुअल टोन में आपको मिलता है और काफ़ी यूनिक शेप में आपको मिलता है, यहाँ पे आपको जो है हल्का सा ग्रे और यहाँ पे कंप्लीट ब्लैक। ग्रैब के लिए विंडोज़ के कंट्रोल, लॉक अनलॉक और ये ORVM के कंट्रोल, यहाँ से आप जो है रिट्रैक्ट कर सकते हो कंप्लीट, आप यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो। देन ये मटेरियल कंप्लीट ABS प्लास्टिक है, जो कि स्क्रैच प्रूफ है कंपनी कहती है, अच्छी बात है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको टॉप एंड वेरिएंट है, तो लेदर अपॉल्स्ट्री मिलती है विथ यहाँ पे फैब्रिक के साथ में, ये कॉम्बिनेशन इनफैक्ट मुझे नहीं समझ आता, आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर ऐसा क्यों है। देन यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जिसको हाइट की इशू है मैनुअली आप जो है हाइट भी एडजस्ट इसमें कर सकते हो। देन इसके अंदर चलते हैं, अंदर इसमें आपको और क्या क्या मिलेगा उसके बारे में एक बार बात करेंगे। तो अंदर आने के बाद सबसे पहले इसको करते हैं ऑन, ये है इसका 2-in-1 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग, जो कि काफी अच्छा लग रहा है देखने में। इसकी की कुछ इस तरीके की आती है, लॉक अनलॉक और ये होल्ड पे बूट जो है पॉप अप कर जाएगा। देन अब आते हैं सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील पे, स्टीयरिंग व्हील आपको राउंड मिलता है, फ्लैट बॉटम नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको म्यूजिक के सारे कंट्रोल यहाँ पे दिए हैं,
कॉल आप यहां से पिक कर सकते हो, कॉल अगर कनेक्ट रखा है कॉल यहां से आप पिक कर सकते हो, बात कर सकते हो, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है, कमांड आप दे सकते हो। ये रहा इसका वॉल्यूम रॉकर और ये यहां से आप जो है जो आप इन्फो एंटरटेनमेंट है इसको आप यूज कर सकते हो। देन अब चलते हैं इस साइड, यहां पे आपको इसके टॉप वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है भाई। आपको इसमें क्रूज कंट्रोल मिल जा रहा है, यहां पे आपको छोटा सा जो ये आप जो छोटा सा एलईडी टीएफटी देख रहे हो इसको आप यहां से कर सकते हो यूज। लैंग्वेज है, लाइट है, डोर है, ईच एंड एवरीथिंग आप यहां से कर सकते हो। यूजर सेटिंग में आप जाके कर सकते हो सारा कुछ। फिर अगर इसके बाद बात करें इसके इन्फो एंटरटेनमेंट सिस्टम की, तो 8 इंचेस के आपको इसमें इन्फो एंटरटेनमेंट सिस्टम मिल जाते हैं विद एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में, जो कि काफी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है आपको, कंप्लीट इसमें ऑटोमेटिक दिया हुआ है जो कि काफी अच्छी बात है। मैंने आपको बोला ना कि पहले जो आई टेन आती थी और अब की जो आई10 है कितनी चेंज हो चुकी है भाई, कंप्लीट चेंज हो चुकी है। पहले कुछ नहीं होता था, छोटा सा म्यूजिक प्लेयर देंगे, नहीं तो वो भी जो अलग से वो लगाना पड़ता था वो कैसेट वाला, और उसके बाद जो है वही यूज होता था। अब इतनी चेंज हो गई है ऑटोमेटिक एसी के साथ, और इनफैक्ट यहाँ पे वायरलेस पैड भी दिया गया है। अगर आप वन प्लस यूज़र है, एप्पल यूज़र है, सैमसंग यूज़र है, जिसमें जो है नथिंग के फ़ोन है ये जो वायरलेस सपोर्ट करते हैं, आप आराम से इसमें चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे 12 वोल्ट का जो है, ओके 12 वोल्ट यहाँ नहीं है, ओके इसमें जो है ये अलग से जो है लगा हुआ है, ये वायरलेस पैड के लिए लगा हुआ है। ओके इसको जो है 12 वोल्ट में लगा के रखेंगे तो आपका वायरलेस पैड जो है ऑन रहेगा। और यहाँ पे आपको USB टाइप भी दिया हुआ है, ए टाइप दिया हुआ है, लेकिन 12 वोल्ट आप जब यूज़ करेंगे लाइक वैक्यूम क्लीनर और टायर इन्फ्लेटर, तो आपको जो है इसे हटा के आप यूज कर सकते हो। 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट दिया है जो कि 120 वाट तक सपोर्ट करता है। ओके देन यहाँ पे USB ए टाइप दिया हुआ है, यहाँ पे सी टाइप, अगर एप्पल यूजर है तो आप इसे आराम से चार्ज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपका जो है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया, तो ये आपका गियर नॉब है। यहाँ पे दो कप होल्डर दिया गया है जो कि एक बड़ा है एक छोटा है, आई डोंट नो क्यों है, अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना। यहाँ पे फोन वोन रखने के लिए है, अच्छा स्पेस है, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप फोन अगर रख रहे हो ऐसे, उससे बढ़िया आप यहाँ रख दो, ज्यादा मुझको ज्यादा सेफ लगेगा, बिकॉज यहाँ पे काफी डेप्थ है जिसकी वजह से फोन जो है एक सेफ पोजिशन में रहेगा, ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। देन अगर बात करें IRVM की, तो यहाँ पे आपको मैनुअल IRVM मिल जाता है, सनशेड में आपको जो है यहाँ पे टिकट होल्डर, और यहाँ पे वैनिटी मिरर इसमें मिलता है। यहाँ पे इस माइक्रोफोन की प्लेसिंग दी गई है, जब आप जो है फोन कनेक्ट करेंगे वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले, जब कॉल आएगा यहाँ से तो आप रिसीव कर लोगे, लेकिन यही माइक्रोफोन है जो आपके वॉइस को आगे कॉलर तक पहुँचाएगा। देन यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप की बटन दी गई है, यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे हेडलैम्प लेवल अप डाउन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए लाइक। देन ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक नहीं, ओनली टिल्ट मिलता है, सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। बात करें इसके ग्लव बॉक्स की, तो कूल्ड ग्लव बॉक्स ये आप देख सकते हो, ये अभी चालू है। उसके बाद इसके आप देखो एसी वेंट को देखो, कुछ शायद याद आ जाए, जी वैगन थार सेम टू सेम आजकल हो रहा है, ठीक है। और ये आप जो हनी कॉम्पैक्ट वाला जो आप देख रहे हो, ये सिर्फ ऐसे नहीं चमक नहीं रहा है, मतलब ये एक्चुअली फील भी हो रहा है, एक्चुअली ये 3D में है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। अब इसके पीछे चलते हैं, पीछे आपको और क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ तो और कुछ है नहीं, अगर कुछ छूट गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा कमेंट में आपको बताने की। देन उसके बाद पीछे आपको वही सेम टू सेम डोर है, बट थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे चेंज है, नीचे साइड जो है लोअर साइड जो है कलर जो आपको लाइट मिलता है, ऊपर आपको ब्लैक कलर में मिलता है। यहाँ भी आपको जो है 3D में ये हनी कॉम पैड वाला फील आपको होगा, 3D में है, टच करोगे तो आपको फील भी होगा। ABS प्लास्टिक ग्रैब के लिए, विंडोज़ के कंट्रोल, सिल्वर कलर की जो है गार्निशिंग के साथ में यहाँ पे ओपन और लॉक करने के लिए। सिटिंग पोजीशन की बात करें तो इसमें थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा इसमें मिलने वाला है, और हाँ जी बिल्कुल इसमें थाई सपोर्ट भी इसमें आपको अच्छा खासा मिलेगा। लेगरूम थोड़ा सा कम फील हो रहा है, बट फिर भी ठीक है, कम नहीं है,
पर थोड़ा सा और होता तो और ज़्यादा आराम लगता। खैर कोई नहीं, ये भी काफ़ी हद तक इसमें आपको लेगरूम मिल जाता है। आई थिंक सीट जो है काफ़ी हद तक पीछे है, दैट्स व्हाई मुझको यहाँ पे लेगरूम कम मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल स्पेस अगर बात करें, काफ़ी अच्छी स्पेस इसमें आपको मिलती है। फ्रंट के दोनों जो है एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन पीछे के दोनों जो है एडजस्टेबल है, हेडरेस्ट। देन पीछे आपको एसी वेंट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हर एक कार की बेसिक रिक्वायरमेंट में भी आ चुकी है कि पीछे रियर एसी वेंट होना चाहिए, बिकॉज आगे के एसी वेंट से बहुत टाइम लगता है कूल होने में और पीछे तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होता है गर्मियों में खासकर। ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे आपको हैलोजन बेस मिलता है, ये आपको ग्रैब के लिए स्मूथ क्लोजिंग के साथ है। एयरबैग की ब्रांडिंग वहाँ की गई है, एक यहाँ पे की गई है, इट मीन टोटल 6 एयरबैग है कंप्लीट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ओके आर्मरेस्ट तो नहीं है। यहाँ पे एंकर चाइल्ड लगाने, आइसोफिक चाइल्ड के एंकर सीट है, यहाँ पे आप लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे, ये था एक ओवरऑल रिव्यू ग्रैंड i10 की, जो कि मैंने आपको कंप्लीट जो है इस वीडियो में बता दिया है। अगर कोई प्लान कर रहा है तो आप ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी वेरिएंट लें, तो आई थिंक सो कि इस वीडियो को देखने के बाद जो उनका डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो नंबर भी मिल जाएगा यहाँ का, आप एक बार कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। अगर जो न्यू है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।